अच्छा है लिपस्टिक का ना। हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल सखी ब्यूटी पॉइंट। आज मैं फिर से आपको एक आई मेकअप दिखाने वाली हूँ। यहाँ मैंने एले गर्ल का प्रो कंसीलर लिया है और फ्लैट ब्रश की सहायता से मैं आईब्रोज़ को नीट कर रही हूँ। आईब्रोज़ को मैंने पहले ही बना लिया था, सेट कर लिया था और अब ये कंसीलर से इसको फिर से डिफ़ाइन कर रही हूँ। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। मैंने एक और आई मेकअप की वीडियो डाली थी और ये है ब्लैक स्मोकी आई की वीडियो, जो कि काफ़ी आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे इसको जो कंसीलर लगाया है उसको ब्यूटी ब्लेंडर, छोटा ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद फिर हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आप सबको पता होगा कंसीलर हम आईज़ में इसलिए लगाते हैं जिससे कि जो भी कलर हम डालें आई शेडो की वो पॉप आउट होकर के अच्छा दिखे और बहुत ही आई मेकअप हमारा बहुत ही बढ़िया हो। तो इस तरह से हमने सेट कर लिया है कंसीलर को और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ कंसीलर को सेट करने के लिए पाउडर। तो ये पैलेट मैंने यूज़ किया है, आप कोई भी पाउडर ले सकते हो, लूज़ पाउडर ले सकते हो, कॉम्पैक्ट ले सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। उससे आप इसको सेट ज़रूर करना, नहीं तो क्रीज बनने लगेगा, यानी कि लाइनें आने लगेगी आपके आई मेकअप में। उसके बाद एक कंटूरिंग का ब्राउन वाला शेड उठाया है और उसको मैंने क्रीज लाइन को डिफाइन किया है यहाँ पे मैंने पेंसिल ब्रश की सहायता से, ठीक है। तो पेंसिल ब्रश का भी बहुत यूज़ है आई मेकअप में, तो आपके पास एक पेंसिल ब्रश ज़रूर होना चाहिए। किसी भी कंपनी का आप लोग बिगनर हो तो आप सस्ते वाले ब्रश भी ले सकते हो। मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये बोंजोर का काजल है जिसको कि मैंने इस तरह से आईज़ पे लगाया है, इसको भी एक शेप लेते हुए मैंने लगाया है और इसको लगाने के बाद फिर इसको करना है ब्लेंड। तो ब्लेंड जितनी अच्छी तरह से हम करेंगे बस हमारा मेकअप उतनी अच्छी तरह से होगा। मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया है कि एक कलर से दूसरा कलर निकलता हुआ दिखना चाहिए हमें ब्लेंडिंग में, कलर अलग अलग नहीं दिखने चाहिए, यानी कि कलरों में जो जो कलर हम डालेंगे उनमें लाइनें नहीं होनी चाहिए, एक कलर से दूसरा कलर निकलता हुआ दिखना चाहिए। तो इस तरह से हमने लगा लिया और अगेन लिया है मैंने पेंसिल ब्रश और उसी की सहायता से पहले मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अब चूंकि आजकल लेंस लगाने का फैशन है तो हमारे जो हमने भी मॉडल को लेंस लगा रखा है, इसलिए आपको आई मेकअप काफ़ी सावधानी पूर्वक करना पड़ता है लेंस अगर लगा हो आँखों में। तो ब्रश को आप ज़ोर से आँखों में नहीं दबाएँगे, बिल्कुल धीरे धीरे करके एकदम सॉफ्टली आप उनको ब्लेंड करेंगे। सॉफ्टली ब्लेंड करने के बाद आप एक बफिंग ब्रश लेना है और उसमें आई शेडो ले करके आपको डस्ट आउट कर देना है। उसके बाद फिर आपको आई शेडो से ही ब्लेंडिंग करते चले जाना है। काजल और आई शेडो मिलकर एक बहुत अच्छा सा ब्लैक स्मोकी इफेक्ट वाला आई लुक क्रिएट कर देता है। तो इस तरह से ब्लेंडिंग बफिंग ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है। ब्रश का भी आप ध्यान रखें, आई मेकअप में ब्रश का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो मैंने अलग अलग तरह के ब्रश आपको पिछले वीडियो में बताया था और यहाँ भी मैं दिखा दे रही हूँ कि कौन सा ब्रश कहाँ पर लगाना पड़ता है। तो ये बफिंग ब्रश है और इसको हमने इस तरह से आई मेकअप को ब्लेंड करने के लिए यूज़ करा है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को कर देना लाइक, लाइक करने के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फैमिली में। और अगर इस वीडियो से आपने थोड़ा भी कुछ सीखा है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। और आपको कौन सी वीडियो देखनी है, मैं बार बार आपको बोलती हूँ कौन सी वीडियो देखनी है आप मुझे बताना। और यहाँ पे ये इंडिया है, निक का पैलेट है, तो उससे मैंने एक कलर उठाया है, देख रहे हैं आप कौन सा कलर है, और उसको फिर मैं उसी ब्लैक कलर के साथ स्मज कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये रेड या ऑरेंज कलर यहाँ पे डालने से, या फिर ब्राउन कलर भी आप डाल सकते हैं, कोई भी कलर को अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर देते हैं ना तो बहुत अच्छा लुक आता है आईज़ का। तो मुझे ये वाला लुक बहुत ही पसंद आया था, होप कि आपको भी पसंद आया होगा।
तो इस तरह से अब मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का ब्रश से रेड कलर लिया है। वेट एंड वाइल्ड का के ब्रश का भी लिंक मैंने पिछली वीडियो में दिया था, इस वीडियो में अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से दे दूंगी। उसके बाद मैंने लाइट और दो शेड उठाए हैं, पिंक और ऑरेंज, और उसको फिर इस तरह से मर्ज कर रही हूँ उसमें। तो एक के बाद दूसरा कलर कैसे लगाते हैं आप देख रहे हैं, और कैसे ब्लेंडिंग होती है वो भी आप देख रहे हैं। धीरे धीरे करेंगे ना तो आप कर लेंगे, एक बार आपकी करने की हिचक टूटेगी ना तो फिर आपसे अच्छी तरह से आई मेकअप की ब्लेंडिंग होने लगेगी और आपको डर नहीं लगेगा कि आई मेकअप कैसे होता है, उसकी ब्लेंडिंग कैसे होती है। तो बस ये हो गया। और अब एक साफ ब्रश लेकर, एक नीट ब्रश लेकर, क्लीन ब्रश लेकर सबको मिला देना है, ठीक है। और इस तरह से सबको मिला देना है अच्छी तरह से। एक कलर और मैंने इसमें डाला है येलोइश टाइप का, जिससे कि और भी अच्छा लुक आ गया है। अगर आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से सबको ब्लेंड कर दीजिए। अब ब्लेंड करने के बाद फिर देखिए, हाथों को थोड़ा सा ऊपर खींचना है और इस तरह से आईब्रोज को के ऊपर हाथों को रखना है और इस तरह से खींचना है और सारी ब्लेंडिंग को ख़त्म कर लेनी है। अब अच्छी तरह से सब कलर आपस में मिक्स हो गए हैं। उसके बाद हमें करना है ब्रो बोन को हाईलाइट। तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का ही लिया है हाईलाइटर और इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं हम। तो आप अगर आपके आई शेडो पैलेट में हाईलाइटर है तो आप उसको भी ले सकते हो, कोई भी सिमरी कलर जो होता है ना, गोल्डन सिल्वर कलर का, उससे भी आप हाईलाइट कर सकते हो ब्रोबोन को। ब्रोबोन को हाईलाइट करना मत भूलना। और यहाँ पे मैंने ये वाला लाइनर लिया है, ये स्केच लाइनर है, इसको इस तरह से सर्दियाँ हैं तो इस तरह से आप मिला लेंगे ना, उसके बाद ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये स्केच लाइनर बहुत सस्ता आता है, 50 या 60 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत देर तक रहता है आईज़ पे और बहुत अच्छी तरह से आप इसको लगा पाओगे। बिगनर हो तो बहुत ही अच्छी तरह से लगा पाओगे। तो आप अगर बिगनर हैं तो स्केच लाइनर को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से लगता है और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो चूंकि आईज़ हमारी बोल्ड थी काफ़ी और ब्लैक थी, बिल्कुल स्मोकी आई थी, तो मैंने यहाँ पे लाइनर को बस हल्का सा पतला सा लगाया है, ज़्यादा मोटा नहीं किया है। हाँ, काजल में मोटा लगाऊंगी, उसके बाद फिर सबको स्मज कर दूंगी। तो देखें, इस वीडियो में आईज़ बहुत बोल्ड बनाई है मैंने, तो इसमें लिपस्टिक बहुत लाइट लगानी पड़ेगी आपको। तो उसके बाद फिर लगाते हैं मस्कारा। मस्कारा बोनजोर का है, बोनजोर का मस्कारा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पे मस्कारा लगाने से ही देखिए पलकें कितनी चेंज हो जाती हैं, भारी भारी से लगने लगती है। मस्कारा लगाने के बाद लास्ट में मैं फेक वाली आईलैसेस भी लगाऊंगी। उसके पहले मैंने मस्कारा लगा करके इसको सेट कर लिया है। तो ऊपर के आईलैसेस में मस्कारा को अंगूठे से इस तरह से हाथ करके आप लगा सकते हैं, या कोई स्पून है तो स्पून रख लीजिए आप। उसके बाद फिर आई मेकअप नीचे का करना है, तो हमने अगर आपने बेस बना लिया है तो यहाँ पे इस तरह से पाउडर रख दिए, और अगर बेस नहीं बनाया है तो इस तरह से पाउडर नहीं भी रख सकते हैं आप। उसके बाद बॉन्जर का ही काजल लिया है और उससे पूरा मैं आंखों पे डार्क डार्क सा भर रही हूँ। मोटी काजल लगाऊंगी मैं, और आँखों के नीचे और आँखों के ऊपर दोनों में लगाऊंगी मैं। तो इससे क्या है ना, बहुत अच्छी सी काली काली सी आँखें लगेंगी, कैट आइज वाला लुक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मोटी काजल लगानी है यहाँ पे, और फिर काजल को स्मज करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो दोनों देखिए, दोनों आँखों के काजल इक्वल होने चाहिए, कोई मोटा कोई पतला नहीं लगना चाहिए। इतना ध्यान रखना है आई मेकअप में कि दोनों तरफ के आई मेकअप एक जैसे होने चाहिए। उसके फिर से पेंसिल ब्रश की सहायता से थोड़ा सा आई शेडो लिया है और उन काजल को मैं स्मज कर रही हूँ, जिससे कि वो फैले नहीं और एक स्मोकी सा इफेक्ट दे। तो इस तरह से पेंसिल ब्रश का बहुत यूज़ है आई मेकअप में, और इस तरह से स्मज कर दिया मैंने। और अब क्या करना है हमें, फिर से वही आई मेकअप पे जो ऊपर लगाया था ना हमने कलर, उसको लिया है फ्लैट ब्रश की सहायता से। आप सबको पता चल गया होगा अभी तक कि फ्लैट ब्रश का क्या क्या काम है। फ्लैट ब्रश की सहायता से हमने इसको उठाया है और आप इस तरह से लगा दिया है। तो फ्लैट ब्रश से आप कंसीलर लगा सकते हो, इस तरह से आईज़ के नीचे लगा सकते हो। और जो है ये, अब ये बेगा का ब्रश है, और अब ये इस तरह से रेड लगा देने से आई मेकअप अब कम्प्लीट हो गया। और चलिए अब हम देखते हैं कि आँखों के हमें कॉर्नर को हाईलाइट करना है, तो उसी में से मैंने स्विस ब्यूटी के हाईलाइटर से मैंने ये उठाया है और दोनों आईज़ के साइड में रख दिया। और अब देखिए ये फाइनल लुक है आँखों का, अभी पलके नहीं लगाई है मैंने, ये वाला फाइनल लुक है। और ये जो है ये पलके लगाने के बाद है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो बताना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।